2019 और 19 की दहलीज पे जब हम जा रहे हैं तो ये आप ओल्ड अनारकली की मिसाल देख लें। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों ने कंप्लेंस की और ये सीवरेज की मिसाल आप देख सकते हैं और गटरों के खुले ढक्कन भी आप देख सकते हैं और इसकी वजह से लोग जो यहाँ आते हैं खाबे खाने वो मसाइल का शिकार हैं। और आप तफसीलन देख चुके हैं कि लोगों ने किन किन मसाइल का जो है वो इजहार किया और इस सारी सूरत हाल में लोग क्या सोचते हैं 2019 को किस तरीके से वो देखते हैं और साले नौ में जाने के लिए वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, ये वो अहम तरीन मौजूद हैं जिन पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन इन सारे मामलों में बेहतरी कैसे आ सकती है ये हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत कैसी है आपकी? तो भाई साहब 2018 कैसा रहा आपके ख्याल में? पॉलिटिकली तो पॉलिटिकल लोगों के लिए तो बड़ा डिस्टर्बिंग रहा, बहुत सारे लोग जेल में हैं। 19 से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? 19 इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा ही करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों के खानदान के नाम 19 के हवाले से, इससे क्या आपकी तवक्कुआत है? 19 पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा होगा जी, दुआ तो यही है हम सब तमाम दोस्तों के लिए अच्छा ही रहे, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा रहे, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे और बहुत तरक्की दे हमारी। ये बहुत शुक्रिया जी आपका। सूरत हाल ये, अस्सलाम वालेकुम। आपको तो पेट्रोल मिल जाता होगा, हेलमेट पहना हुआ है आपने? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। देखा ना, तस्दीक कर दी भाई जान ने, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें जी यहाँ की सूरत हाल और यहाँ जुड़े हुए लोगों के मसाइल, आप ज़रूर साले नौ में जाइए लेकिन मसाइल जो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इन मसाइल का तदारुक होना, तदारुक करना और इनसे जो है इनसे बचना वो अहम तरीन हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा नुकता इस वक्त आप ये, चूँकि फूड स्ट्रीट है सारी ओल्ड अनारकली, अनारकली में सीवरेज के मसाइल अगर हल नहीं होंगे तो यहाँ लोग मसाइल का शिकार भी होंगे और उन्हें प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगी जो वो करनी पड़ रही है भूखों की सूरत में। और वो पकवान ज़रूर खाते हैं लेकिन इर्द गिर्द का माहौल जो है वो आलूदगी का शिकार हो चुका है और इतनी आलूदगी है यहाँ, इतनी पोल्यूशन है उसकी वजह से गंदगी और भूखे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? 2019 से क्या आपकी तौकवाद वाबस्ता है? ये बाबा से पूछूं, बाबा से पूछूं, बाबा जी कैसे हैं? थैंक्स। कैसे हैं आप? खैरियत? नीली आंखों वाला शख्स हैं। उसने ऊपर क्या उठाई नीलगू आंखें अदीम, वो खला का रंग सारा आसमानी कर गया। मुझे बताइए कि क्या तौकवाद है आपकी 2019 के वाले से? मसलन देखो जी, अब ये तो जैसे ये मसला हो रहा है, अब महंगाई हमारे ये बाजार में सारा सिस्टम उन्होंने अजीब ही कर दिया है, गंदगी सारी, कोई सफाई नहीं हो रही, आगे उन्होंने सफाई पर टैक्स लगा दिया है, तो मेरा मतलब है लोग कहाँ से दें, लोग तो खुद परेशान है, समझा कि ना कारोबार चल रहे हैं ना कुछ, और महंगाई बढ़ती जा रही है, समझा कि नहीं इसकी कोई रोकथाम नहीं है। अगर एक दूजे को कहते हैं कि यार चलो निकले कोई बात करें किसी बड़े अफसर से या किसी काउंसलर से या जिससे भी बात करने करें, वो डरते मेरे जाते नहीं हैं, तो वो जो भी होता है उसके लिए वो हर चीज़ बढ़ाई जा रहे हैं, हर चीज़ जो ना वो बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। अब जैसे ये हेलमेट निकले हैं, पीछे भी हेलमेट पहनो, अगले अब किसी शादी ब्याह पर जाना हो तो वहाँ भी हेलमेट कहाँ रखे, कहाँ साथ जाओ, कहीं रखते हैं वहाँ से चले, वो तो मगर सेफ्टी जरूर है। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात, उठाने का कल्चर गलत है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए 2019 में आप जो आपसे लोग नाराज हैं, जो रिश्तेदार परेशान हैं आपसे, जो लोग आपसे कहा कि शर से महफूज नहीं है, जिनको आप तंग करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? वो मैसेज यही है कि प्यार मत होना, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। आप माजरत करेंगे अगर किसी से करने वाली है तो? जो नाराज हैं वो भी खुद आगे मिलें या हम उनको जाकर उनके पास जाके मिलें। कितने लोग आपसे नाराज हैं? कौन दादा है रिश्तेदारों में, कौन कौन नाराज? नाराजा तो नहीं है, बेशुमार नाराज की हैं। ठीक है, आप इसका मतलब गुस्से वाले हैं? गुस्से वाले तो नहीं है, तो प्यार मोहब्बत वाले, प्यार मोहब्बत से गुस्सा करते हैं जी। बाहर आला नया साल है, खुशी का दिन है कल का, तो हर इंसान को जो कोई भाई है, कोई बेटा है या कोई रिश्तेदार है, ठीक है, उसको प्यार मोहब्बत से मिले। ठीक है जी, ये सूरत हाल है, ये यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ मामला आप देख रहे हैं, ये पान वाले भाई भी हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? वालेकुम सलाम। क्या पैगाम है आपका नए साल के हवाले से? 2019 और 18 कैसा रहा? 18 बस ऐसे ही रहा जैसे आपको पता ही है। नहीं सही रहा? नहीं सही रहा। क्यों? दिल्ली की वजह से। आप नहीं चाहते थे कि इमरान खान हुकूमत में आए? नहीं आए। नून लीग के साथ थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़े उदास होंगे, शरीफ ब्रादरान जेल में है, ख्वाजा ब्रादरान जेल में है, क्या कर सकते हैं? आपकी तो नींद उड़ गई होगी। नहीं नहीं, नींद क्यों उड़ी है? अच्छा, नींद नहीं उड़ी, शुक्र है, शुक्र है, सामले सामले। अच्छा फिर बस शुक्र है, आप चला ही रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या पैगाम है आपका 2019 के हवाले से? बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? क्या पैगाम देंगे 2019 का?
ये है कि हमें जितनी भी लोगों के साथ आपस में मोहब्बत बांटनी चाहिए। कैसे बांटेंगे मोहब्बत? शापरों में भर के या क्या करें? एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का साथ करें। और ये नहीं कि सिर्फ नफसा नफसी का आलम है, हर कोई अपनी अपनी लगा हुआ है, अपनी अपनी ना करे, दूसरों का ख्याल, दूसरों का भी ख्याल करे। अब ये जो मिसाल के तौर पर जूती जोड़ने वाला है, अगर वो नहीं जोड़ेगा तो हमें खुद ही जोड़नी पड़ेगी ना। दर्जी ये है, कपड़े सीता है, तो इसी तरह हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, भाईचारा फरोग देना चाहिए, ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल, आगे इखलाकी कदरें उनको उजागर करें, खुद कुदरती तौर पे फिर आपको अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और आखिर में प्रोग्राम के हम फकत आपसे यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके छोटे छोटे मसाइल हैं, और यहाँ यूथ नौजवान सारे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खा रहे हैं भाई? चाय पी रहे हैं। कहाँ से आप? बलोचिस्तान, लोरालाई। लोरालाई से? तो कौन से कबीले से? जो है नासर कबीले। तो काकड़ ज्यादा है? नहीं, हम नासर है। नासर कबीले, आप काकड़ हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि क्या पैगाम आप देंगे अपने बलोचिस्तान और कोयटा की आवाम के नाम साल नौ पे 2019 के हवाले से? यही होगा कि मैं कहूँगा कि जो है ना स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और बाकी जो हमारे वहाँ पे बैठे लोगों को उनसे भी यही कहूँगा कि आ जाए पढ़ें जीसी में, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और लाहौर में बहुत अच्छा माहौल है, उस वक्त लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। कागर साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं कहूँगा कि जिस तरह से हम आए हुए हैं हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हम उन सबसे यही अपील करेंगे कि वो सब भी यहाँ पे आके अपनी तालीम को बढ़ाएं ताकि वो अपने इलाके के लिए कुछ कर सके। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि मतलब लाहौर से मतलब कोयटा से जितने भी बच्चे हैं वो आए लाहौर पे, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी जैसे जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे आने चाहिए यहाँ पे अभी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर? यहाँ और भी हैं जी हमारे साथ। जी आप कैप्टन हैं? हाँ, फुटबॉल। क्या नाम है आपका? सैफुर रहमान। सैफुर रहमान, और आप कहाँ से हैं? बलोचिस्तान से? बलोचिस्तान से। और किस इलाके से? जोब। जोब से? जी। अच्छा, जोब से हैं आप, तो कौन सा कबीला है? लोंड। अच्छा, लोंड। ये बताइए कि बड़ा फख्र है जी ये हमारे लिए, कैप्टन है फुटबॉल के और जोब से हैं, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या पैगाम आपका कैप्टन साहब? मैं न्यू ईयर का मुबारक दूंगा सब। फुटबॉल की हिट मार के किस आप खुद किस पोजीशन पे खेलते हैं? मिडफील्ड। मिड पे खेलते हैं। हाँ जी, किस कबीले से आप? सर मैं काकड़ कबीले से। काकड़ कबीला, लोरालाई से? नहीं, मैं किला अब्दुल्ला से हूँ। बुजार से? किला अब्दुल्ला। किला। ओके, मुझे ये बताइए कि क्या पैगाम आप देंगे? मैं ये कहूँगा अपने लोगों से कि लाहौर जो है एक्सप्लोजर की जगह है, यहाँ पे लोग बहुत एक्सप्लोजर करते हैं, और बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो लाहौर के लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले, तो इसीलिए लोगों को यहाँ पे आना। ठीक है, हाँ जी, आपका क्या पैगाम है 2019? बस सही है, गुजर जाए, अब मैं क्या करूँ इस बारे में। ठीक है जी, बलोचिस्तान के दोस्तों के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हमारे पास ख़त्म हुआ, इस दुआ के साथ के अब के बरस कुछ ऐसा करना, अपने गुजरे 12 माह के दुख सुख का अंदाज़ा करना, बसरी यादें ताज़ा करना, सादा सा एक कागज़ लेकर भूले बसरे पल लिख लेना, अपने सारे कल लिख लेना, फिर उस बीते एक एक पल का, अपने गुजरे एक एक कल का एक एक मोड़ अहाता करना, सारी सुबह पास बुलाना, सारी शामें हाजिर रखना, एक एक याद ध्यान में रखना, फिर मोहताज के आस लगाना। घर तो खुशियाँ बढ़ जाएँ तो तुमको मेरी तरफ से आने वाला साल मुबारक, घर गम बढ़ जाएँ तो देखो फिर तुम ऐसा करना, मत बेकार तकल्लुफ करना, मेरी खुशियाँ तुम ले लेना, मुझको अपने गम दे देना, अब के बरस कुछ ऐसा करना, अपने गुजरे 12 माह के दुख सुख का अंदाज़ा करना। फाज शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बान।